हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय होम गार्डन एंड ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम आए थे बुद्धा टेम्पल में घूमने के लिए, सोचा कि आपसे वीडियो शेयर कर ले और आप भी हमारे वीडियोस में ज़रूर बने रहना और यहाँ का सुंदर सुंदर नज़ारा देखना। और व्यू तो इतना सुंदर है, यहाँ साफ़ सफाई से लेकर बहुत ही सुंदर मंदिर और तिब्बती लोगों के रहन सहन के बारे में देखिएगा। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सुंदर ना, बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल शाम शिफ्ट कहीं वो नहीं, गंदगी नहीं है, गंदगी नाम की नहीं है। ये हम बुद्धा टेंपल पहुंच चुके हैं अभी, उसका वो बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्थल। अच्छा लग रहा है कि हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। एकदम ये चारों तरफ देखिए, बिल्कुल क्लीन नज़र आएगा आपको चारों तरफ घूमते हुए। मतलब किस ये जैसा हमारा बुद्धिस्ट कल्चर का है ना, बुद्धिस्ट के सबसे ओल्ड पीस स्तूपा बोलते हैं, बुद्धिस्ट के हिसाब से सबसे बड़ा स्तूपा यही है। अच्छा, यहाँ 180 गज फीट का है ना, देहरादून इतना बड़ा अभी तक नहीं बना हुआ हमारा बुद्धिस्ट। यही से अभी प्रसिद्ध है तो प्रखर। हम उधर सिक्किम वगैरह गए थे ना आपके, उसमें उधर भी काफ़ी वो है। आप यही रहते हो? हाँ यहीं रहते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ? पढ़ाई करते हैं? यहाँ मैं पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कौन सा वो चल रहा है आपको? अभी तो हमारे कॉलेज का पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो बुद्धिस्ट के बारे में कितना समय हो गया आपके यहाँ घूमने में? शांति यहाँ लगभग 20 साल हो गए देहरादून में। अच्छा, कभी कभी नेपाल जाते हैं। अच्छा, नेपाल। अच्छा, नेपाल से हुआ? हाँ, नेपाल से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, ठीक। यहाँ दोनों या इंडिया में 20 साल हो गया। हाँ जी, कितना समय और होगी यहाँ पर पढ़ाई बोलने? Thank you.
करते हैं, अब हम भी चले अपने घर को। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय दोस्तों।